भी पता चल जाएगा कितना चल रहा है। अभी हमारे जम्मू में ना 42-44 ऐसे करके, और यहाँ पे रात को माइनस में था, अभी भी माइनस में ही होगा। मैं हर जगह घूमा हूँ, बट जैसे मैंने लोग यहाँ पे देखे ना, अभी हमें हमारे पास दूध थोड़ा सा कम था, हमने बंदों से मांगा भी नहीं, उन्होंने हमें दूध प्रोवाइड करके ला कर दिया अपने घर से। घी ला कर चाय बना के देंगे, घी ला कर दिए, फुलके ला के दिए खुद, हम बिना मांगे। ये सारी चीजें होती है, एक्सपीरियंस करने को कहीं और नहीं मिलती। प्लीज़ जितने भी भाई मेरा ये ब्लॉग देख रहे हैं, एक बार वार्डबन विजिट करें ताकि बाहर लोगों को पता लगे कि अभी J&K में इतना कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए। यहाँ पे अभी टूरिस्ट बिल्कुल भी नहीं है, वही लोग आते हैं जिनको यहाँ की नॉलेज है। फाइनली अपनी चाय रेडी हो चुकी है, सारे भाई वहाँ पे चाय वगैरह पी रहे हैं, ब्रेकफास्ट समझ लो, थोड़े से फुलके वगैरह कल के रखे थे। इतने प्यारे व्यू के सामने हाथ में चाय हो, इतना प्यारा नज़ारा हो, इंसान और क्या ही चाहेगा अपनी ज़िंदगी से। यहाँ पे जल रही है हमारी आग, और अभी टाइम हो चुका है डिनर का, गाड़ी लगाएंगे ताकि खाना वगैरह प्रॉपर हमें दिखे। यहाँ पे सामने देखो, पहले आग जलाने का ना थोड़ा सा प्लान कम बन रहा था, ठंड इतनी ज़्यादा होगी कि जैकेट वगैरह भी कुछ काम नहीं कर रही है। सामने चेक करो, आग जलानी पड़ रही है, ठंड है बहुत बहुत ज़्यादा, हालत ख़राब हो रखी है, जैकेट डाली हुई है मैंने अभी, और ये हाफ बाजू है, इससे भी हालत ख़राब हो रखी है। गाड़ी लगाएंगे ताकि ना प्रॉपर खाना खा पाए अच्छे से, उसके बाद लाइट बंद करके अपने टेंट में सो जाएंगे। बहुत ज़्यादा ठंड है, अगर कोई भी आए तो प्रॉपर सारी चीज़ें होनी चाहिए, वरना नहीं यहाँ पे रात गुजारना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हमारा प्लान था 2-3 दिन का यहाँ पे एक्सप्लोर करने का, बट अभी ऐसा लग रहा है रात के टाइम कि सुबह हमें निकलना पड़ेगा यहाँ से। वाह चेक करो यार, ओके ओके देखो यार स्कॉर्पियो की एम्बियंस कितनी ज़्यादा अच्छी लगती है, ये चेक करो। वाओ स्पेशली ना जब यहाँ आए थे ना, उससे पहले थोड़ा बहुत गाड़ी का काम कराया था ताकि रात के टाइम अगर ट्रैवल करना पड़े ना उस टाइम हमें ज़रूर पड़े। अंदर की बात नहीं कर रहा हूँ ज़्यादा, बाहर की बात कर रहा हूँ। सारे भाई अपने रेडी हैं यहाँ पे, स्टार्ट रहने दे, बैठ जा सारे। आग अभी जल रही है लगभग ये 2 घंटे तक, अभी मैक्सिमम 2 घंटे तक आराम से ये जलेगी। खाना वगैरह खा के भी अगर हम 2 घंटे यहाँ पे बैठेंगे ना, तब तक भी अपना सीन सेट बैठेगा। हालत थोड़ी सी ख़राब है क्योंकि सुबह से ना ना बाल ठीक किए हैं ना फेस अच्छे से वॉश किया है। यहाँ पर ग्लास चेक करो तुम कितना बड़ा है। ये सारी चीज़ें ना तुम्हें जम्मू में नहीं मिलेगी, कहीं 5-स्टार होटल में नहीं मिलेंगी, ये सारी चीज़ें मिलेंगी कश्मीर सिटी से लगभग 200 किलोमीटर दूर ना, 200 किलोमीटर दूर आके अगर तुम जंगलों में बैठते हो, यहाँ के लोकल लोगों के साथ तुम इंटरेक्ट करते हो, उनके साथ अच्छे से बात करते हो। और मैं हर जगह घूमा हूँ, बट जैसे मैंने लोग यहाँ पे देखे ना, अभी हमें हमारे पास दूध थोड़ा सा कम था, हमने बंदों से मांगा भी नहीं, उन्होंने हमें दूध प्रोवाइड करके ला कर दिया अपने घर से। घी ला कर चाय बना के देंगे, घी ला कर दिए, फुलके ला के दिए खुद, हम बिना मांगे। ये सारी चीज़ें होती है, एक्सपीरियंस करने को कहीं और नहीं मिलती। तो थैंक यू सो मच खाने देने वाली शराफत, हमारे भैया जो हेल्प कर रहे हैं, हमारे शराफत भैया थैंक यू सो मच, इनको यहाँ की नॉलेज है प्रॉपर, जो पूरा घुमा रहे हैं हमें। सुबह से 3 जगह घूम चुके हैं, और आज जो मज़ा आया ना, आज की जो रात है बहुत ही नेक्स्ट लेवल वाली। बोर नहीं करूँगा, ये टेस्ट करके बता देंगे कैसी है। इसको पीने से ही पता लग रहा है कि कितनी ज़्यादा हेल्दी होगी। मीट मीट खा, मीट मीट छोड़ो, मीट थोड़ा सा जो सुबह के बज रहे हैं अभी 5, और सामने का तुम व्यू चेक करो। रात को यहाँ पे था मैं, और एक टेंट वो अपना जो मैंने तुम्हें रात को दिखाया था, बहुत ही प्यारा और बहुत ही प्यारी और अच्छी नींद आई यहाँ पे। पर ऐसा लग रहा है मेरे को हल्का हल्का कि ठंड की वजह से ना थोड़ा सा कुछ तो गड़बड़ हुई है खुद के साथ। वो टेंट के सामने यहाँ पे थोड़ा सा चल के ये पानी तुम्हें पता नहीं कैसा दिख रहा है, पर इस पानी की इतनी ज़्यादा तेज़ आवाज़ है ना, पूरी रात कानों में गूंज रही थी, तो अच्छी नींद आई। अभी थोड़ा सा फ्रेश वगैरह होंगे यहाँ पे, और उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट हमारा क्या रहता है। और सुबह सुबह एक प्यारा सा मेहमान हमारे साथ था यहाँ पे, ओहो इस टाइम जो हवा चल रही है ना यहाँ पे, जितना हो सकता है इसमें घूमना चाहिए।
ये घास देख रहे हो, हमें यहाँ पे गाड़ी लाने के लिए ना वो मना कर रहे थे, पता है क्यों? क्योंकि ये गायें वगैरह है ना जो भेड़ बकरियाँ आकर ना अपना पेट अपना गुजारा करती हैं, और वो अच्छी बात भी है। हमने ज़्यादा गाड़ी आगे पीछे घुमाई नहीं, आराम से जहाँ पे एक जगह गाड़ी लगाई वहीं पे गाड़ी लगी रही, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा मज़ा और अच्छी नींद आई। अभी मेरे को डर ये लग रहा है ठंडे पानी से अभी मुँह कैसे धोना है, फ्रेश कैसे होना है यहाँ पे, क्या बोलते हो? ये वो सामने वाला रोड है जहाँ से हम निकल कर पूरा प्रॉपर ये यहाँ तक आता है नीचे गाड़ियों तक, और सामने वो एक प्यारा सा गांव है, ज़्यादा घर नहीं है, कम ही घर है, पर जितने भी है ना बहुत प्यारे लगते हैं पहाड़ के ऊपर से। और सामने कुछ ऐसा व्यू है, एक बार अच्छे से तुम देख लो, दोबारा पता नहीं कब आना है कब नहीं। वाह यार, और ये सुबह सुबह प्यारा सा मेहमान हमारे साथ आके वहाँ पर जो चावल वगैरह कुछ पड़ा था ना थोड़ा बहुत, इसने वो खाए हैं आराम से, इसको हेलो करते हैं एक बार। हेलो, ओ भाई स्पीड देखी इसकी। अभी हमारे ना कुछ बंदे उठ ही नहीं रहे हैं, ज़बरदस्ती इनको कितनी बार उठाया, कंबल वगैरह बाहर फेंके, बट ये निकल नहीं रहे हैं बाहर, क्योंकि ठंड में ज़्यादा मज़ा आता है सोने का। मैं उठा था सनराइज देखने के लिए, इस पहाड़ के पीछे से निकलेगा, अब देखते हैं, वेट करूँगा कब तक होगा कब तक नहीं, पर मुझे नहीं लगता है 10 बजे से पहले यहाँ पर सनराइज होता होगा, क्योंकि इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं और टाइम लगता होगा निकलने में। लेट्स सी कि क्या सीन रहता है। ये अभी ऐसे लग रहा है, एक पता नहीं ऐसे कितने पहाड़ कवर करके हम यहाँ पहुँचे हैं, वार्ड वन नज़दीक नहीं है, बहुत ही ज़्यादा दूर है। ऐसे देखने में थोड़ा सा छोटा लग रहा होगा, मतलब कि ऐसे साइज में तुम देखोगे कि ज़्यादा नहीं लगेगा, पर ये इतना ख़तरनाक है ना, यहाँ के लोग कुछ बता रहे थे कि कुछ भी करना इसके नज़दीक मत जाना, और जहाँ से हम पानी पीने के लिए ला रहे थे ना वो जगह इतनी ख़तरनाक है, इतनी ज़्यादा रिस्की है कि कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे तुम कुछ चेक कर सकते हो, वहाँ पे वो दूर तुम्हें घर दिखने होंगे, ज़्यादा घर नहीं है, एक पहाड़ पे मान लो इतने से घर हैं, ज़्यादा भी नहीं है, जो भी है वे ठंड में कैसे रहते होंगे। अभी इतनी ज़्यादा ठंड है, तुम देख ही सकते हो हालत, इतने भी भाई मेरा ये ब्लॉग देख रहे हैं, एक बार वार्डवेंट को विज़िट करें ताकि बाहर लोगों को पता लगे कि अभी J&K में इतना कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए, यहाँ पे अभी टूरिस्ट बिल्कुल भी नहीं है, वही लोग आते हैं जिनको यहाँ की नॉलेज है। तो हमारे साथ यहाँ के एक भैया साथ आए हैं हमारे, जिनको पूरा रास्ता यहाँ का पता था, तो ठीक है, मज़ा आया काफ़ी ज़्यादा, रात को यहाँ पे नाइट स्टे किया हमने अच्छे से। मैंने सोचा था लगभग 2-3 दिन तो मैं यहाँ पे स्टे करूँगा, पर यहाँ पे स्टे करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ओहो देख रहे हो, ये जगह बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है, स्लिप हुआ तो सीधा नीचे। इसी के बाद फेस वॉश वगैरह कुछ। ठंडा है, कितना ठंडा है, अभी पता चल जाएगा कितना ठंडा है। आगे जाके ना किसी होटल वगैरह पे रुके, फिर अच्छे से वो करेंगे। बहुत बुरी हालत है यार। अभी हमारे जम्मू में ना 42-44 ऐसे करके, और यहाँ पे रात को माइनस में था, अभी भी माइनस में ही होगा। आ जाओ वापिस, अपनी चाय रेडी हो चुकी है, सारे भाई वहाँ पे चाय वगैरह पी रहे हैं, ब्रेकफास्ट समझ लो, थोड़े से फुलके वगैरह कल के रखे थे, हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट किया, बट ठीक है। और इतने प्यारे व्यू के सामने हाथ में चाय हो, इतना प्यारा नज़ारा हो, इंसान और क्या ही चाहेगा अपनी ज़िंदगी से, है ना।